अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेन स्टेट चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा लेडीज़ कोट की कटिंग। दोस्तों हो सकता है वीडियो मेरी थोड़ा लंबी हो जाए, तो इसको मैं पार्ट वन पार्ट टू करके आपको समझा दूंगा। दोस्तों आपका भाई बहुत मेहनत करता है वीडियो बनाने में, आपको कटिंग समझाने में अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने में बहुत मेहनत करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा लेडीज़ कोट की कटिंग। दोस्तों नाप मेरी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बैक काटेंगे दोस्तों, इस तरह से स्केल रख के इसके हम ये इसको इस तरह से एक मार्क लगा लेंगे। जितना आपको दबाव रखना हो, 2 इंच 1.5 इंच आप दबाव रख सकते हैं। दोस्तों लेंथ है मेरी 28 इंच, तो 28 इंच ये रख के हम ये निशान लगा लेते हैं। अब दोस्तों 1/4 इंच नीचे एक ये निशान लगा लेते हैं। दोस्तों क्योंकि लेडीज़ कोट है और चेस्ट है मेरा 39.5 चेस्ट है, तो हम इसको ज़्यादा नहीं गिराएंगे, 9 इंच ही गिराएंगे। 9 इंच पे ये निशान लगा के और 1/4 इंच ऊपर एक मारी ये लगा देते हैं। अब पेट का दोस्तों निशान हम लगा लेंगे 16 इंच पे। अब इस निशान को दोस्तों मिला लेंगे इस तरह से। दोस्तों लेडीज कोट जरूर है लेकिन साइज ठीक ठाक ही है, बहुत स्लिम बॉडी नहीं है, हेल्दी बॉडी है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 2 इंच पे ये रख के 1 इंच ये निशान लगा लेंगे। ऐसे यहाँ पे भी 2 इंच रखेंगे और 1/4 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे, यहाँ पे 2 इंच पे ही लगा लेंगे। अब शेप पट्टी से दोस्तों इस तरह से ये रख के शेप अच्छा सा दे देंगे, बहुत गड्ढा भी नहीं होना चाहिए जी। इसको पूरा नीचे ऐसे मिला लेंगे। अब दोस्तों 3 इंच इसकी हम टीक रख देते हैं और शोल्डर है 17, तो 8.5 पे ये मार्क लगा के ये सिलाई हो जाएगी, तो ये 70 आ जाएगा। अब इसकी दोस्तों क्रॉस बैक रख देते हैं, 39 है और लेडीज़ भी है, ये भी हमको देखना है, तो 7.5 बहुत है। पेट है दोस्तों 37.5, तो हम लोग छठा हिस्सा लगाते हैं, तो 6×36 होता है 6.25, लगभग 6.25 पे 6 1 फुट ऐसे ही लगभग आएगा ये। अब हिप है दोस्तों 43.5, हिप थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि लेडीज़ की हिप थोड़ा ज़्यादा होती है, तो हम ये 7.5 7.5 पे ये मार्क लगा देंगे। अब दोस्तों इस तरह से ऐसे रख के अच्छे से बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों किस तरह से मैं शेप लगा रहा हूँ जी। इस तरह से शेप लगा लेंगे, तो यहाँ पे भी अब टीक का निशान लगा लेंगे इस तरह से, दोनों के बीचों बीच में ये मार्क लगा के इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से 1/4 इंच ऊपर पे ये मार्क लगाएंगे, अब टीक को इस मार्क पे ही ये मिला लेंगे। अब यहाँ से 1/4 इंच ऊपर रख के इसी जगह पे इसको ये शोल्डर का निशान हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ हमको थोड़ा कम लग रही है, इसलिए हम इस चीज़ को थोड़ा और बढ़ाएंगे।
क्योंकि दोस्तों कोट जो है थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है और लेडीज़ की जो हिप है वो इस जगह पे है, तो हमने यहाँ पे रख दी है, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे, नहीं तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों कोट टाइट हो जाएगा और चाक जो है फटने लगेगी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे और बढ़ाएंगे। इस तरह से ये दोस्तों साइड ओपन मांगा है, तो हम साइड ओपन का भी निशान लगा लेंगे 8 इंच 8 इंच पे, क्योंकि लेडीज है तो बहुत ज्यादा खुला अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरी कटिंग हो जाएगी। एक बार सारी नाप दोस्तों मिला लेंगे, लेंथ भी मिला लेते हैं, सिंगल ब्रेस ये लो दोस्तों, दो बटन का कोट है ये। अब इसकी दोस्तों हम कटिंग कर लेंगे, दबाव यहाँ पे रख के काटेंगे दोस्तों, ट्रायल के बाद निकाल लिया जाएगा सब दबाव, इसको भी इस तरह से काट लेंगे। दोस्तों ये मेरी बैक हो गई है, अब हम स्लीव काट लेते हैं, आस्तीन, आस्तीन भी हम दोस्तों यहीं से निकालेंगे। इस तरह से पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे, यहाँ पे भी दोस्तों क्या करेंगे, लेंथ है दोस्तों 21.5 लेंथ है, तो दोस्तों सबसे पहले ये 1.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसको भी सीधा स्क्वायर रख के इस तरह से कर लेंगे। अब दोस्तों हम जो आस्तीन की लेंथ नापेंगे वो ये इस निशान से, तो 21.5 इंच पे ये मार्क लगा लिया। अब दोस्तों अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये अब यहाँ पे आया 22.5, 22.5 का लगभग 23 मान लीजिए, 23 का आधा हुआ 11.5, तो 1 इंच बढ़ा के कुइनी का निशान लगाएंगे, नी का कुइनी का, तो 12.5 पे ये निशान लगा। अब दोस्तों छठा हिस्सा 6×36 यानी 39 है, तो 6.5 इंच गिरा देते हैं, गिराओ। अब इसको भी ये कर लेंगे, इस तरह से ऐसे मिला लेंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, जेंट्स कोट होता है तो उसमें हम छठा गिरा देते हैं छठा हिस्सा, लेकिन ये लेडीज कोट है तो इसमें हम थोड़ा सा 2 सूत कम ही गिराएंगे, ये 1.25 इंच 39 है तो 39.5 है तो छठा हिस्सा 6.5 लगभग आता है, तो 6.25 पे ही हम गिराते हैं। अभी ये निशान कटा हुआ है, ये इस तरह से ये मिला लेते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से 2 सूत पे ये निशान, 1/2 इंच पे ये और 1/4 इंच पे ये निशान, 1/4 इंच पे नहीं दोस्तों, इसी जगह पे इसको मिला देंगे, इसी तरह 1/4 इंच, ये 1/4 इंच से 1 सूत ज़्यादा ये निशान लगाएंगे, 1/4 इंच से 1 सूत ज़्यादा ये, तो यहाँ पे भी
ये अब इसको भी अच्छे से दोस्तों इसी शेप में मिला लेंगे। अब दोस्तों चेस्ट है 39.5 मान लेते हैं तो 10.25 होता है 39 का, तो नॉर्मली जेंट्स में गिरा देते थे 1/2 इंच कम चौथाई से, लेकिन इसमें थोड़ा 1/4 इंच कम गिराएंगे दोस्तों, 9 इंच पे 9 इंच आस्तीन रखेंगे। ये 4.5 यहाँ से इसके आधा यानी 4.5 पे ये मारिक लगा देंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच कम 7.5 पे ये मारिक लगा देंगे और दोस्तों इसकी मूड़ी रख देंगे 10 इंच, क्योंकि लेडीज़ है बहुत मूड़ी नहीं चलेगी, इस तरह से मिला देंगे इसको, इससे मिला के इस तरह से दोस्तों यहाँ से 1/2 इंच ऊपर एक मारिक लगाएंगे। अब इसको यहीं पे ऐसे मिला लेंगे, दबाव आपको जितना रखना हो 2 इंच 1.5 इंच आप दबाव रख सकते हैं। अब ये जो मिडिल का निशान लगाया है दोनों के बीच का स्क्वायर को इससे इस तरह से सीधा करें। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से 1/4 इंच नीचे मारिक लगा लेंगे। अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट को मारिक को मिला लेंगे ये, अब इस पॉइंट पे भी इस जगह पे रख के स्केल को ऐसे मिला देंगे। अब दोस्तों हम इसकी गोलाई का शेप कर लेंगे इस तरह से, ये 1/2 इंच नीचे यहाँ पे आके 1/2 इंच नीचे उतार देंगे यहाँ पे, इसको अच्छे से ये मिला देंगे। ये दोस्तों अब इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों ये हो गई आस्तीन, दोस्तों ये हो गई मेरी आस्तीन का गोला। अब ताल काट लेंगे इस तरह से दोस्तों, ये इस तरह से कपड़ा बिछा लेंगे इस तरह से, दोस्तों इस तरह से बिछाने के बाद ये मारिक को इस तरह से यहाँ पे रख के ये मारिक लगा लेंगे, इसी तरह ये लगा लेंगे, इसको ऐसे सीधा कर देंगे, मिला देंगे सभी मारिक को और यहाँ पे इस तरह से जैसे क्रॉस गया है इसी तरह से क्रॉस कर लेंगे। अब ये मारिक लगा लेंगे ये और ये, उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 2 सूत पे इस तरह देखिए 2 सूत पे ये मारिक लगा लिया, यहाँ से 1/2 इंच पे लगा लिया और यहाँ से 1/4 इंच पे। अब क्या करेंगे, इस तरह से उठा के कपड़ा आस्तीन को मारिक पे ही जो लगाया था ऐसे निशान मार लेंगे इस तरह से और यहाँ पे भी इस तरह से। अब इसको इस तरह से उस मारिक पे ले जाके, ये मारिक जो लगाया था उस मारिक पे ले जाके उसी के हिसाब से जिस तरह से ये शेप गया है इसी को, इसको भी इस तरह से शेप दे देंगे और ये निशान को ऐसे मिला देंगे। दोस्तों इस तरह से ये मिला लिया और इसी तरह से इसको ये मिला लिया, इसको भी अब पक्का कर लेंगे ये।
अब दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी बताया है, ये जो निशान लगेगा इस तरह से इसकी लॉन्ड्री होना चाहिए, ये कि इसके बीच से ये होके गुजरे। अगर इसमें हम आपको लगा के दिखाते हैं, इस तरह से लगता है ये लॉन्डिंग जो है इसके बीच से ही होके गुजरे। अब दोस्तों इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दबाव रखते हुए दोस्तों हम इसको काट लेंगे। यहाँ पे भी दबाव रखेंगे, आपको जितना दबाव रखना हो दबाव आप यहाँ पे इसको इस तरह से दोस्तों ये मेरी आस्तीन हो गई, ये आप देख सकते हैं। ये जैसे हमने रखा था दो सूत कम, हाफ इंच कम, पौन इंच कम, उसी तरह से इसको बैठा के एक बार चेक कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल ठीक। अब दोस्तों इसका आर्मोल कितना आ रहा है तैयार, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये आया 13.25, तो 13.25 ये रखेंगे, ये इस तरह से नाप लेंगे आप। ये दोस्तों 22.5 इंच, 22.5 इंच इसका पूरा आर्मोल आ रहा है। और ये फ्रंट से दोस्तों कोट के आर्मोल से 1.5 इंच, लगभग 1.5 इंच, पौने 2 इंच ज़्यादा होना चाहिए इस स्टीन का।